स्टूडेंट, आई एम योर संस्कृत टीचर आरती मिश्रा। आज क्लास 8 के बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाऊंगी। तृतीया पाठा दिधि भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिन्हें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को इतना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भाव इति मनसि जिज्ञासा उद्यपते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्ते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। विद्या च श्रुति परंपराया गृहते स्म। अनंतरम ताल पत्रो परि भोज पत्रों परिचा लेखन कार्य आरब्धम। परवर्तनी काले सर्गदस्य लेखन्याचाविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोरपरि लेखन प्रारब्धम। टंकणं यत्रंश आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत्। वैज्ञानिक सविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठन्ति लिखन्ति च। अब मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ। अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व मतलब सारे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य माने इसकी चर्चा तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया नाम की चर्चा सभी लोगों ने सुनी गई है, सभी लोगों के द्वारा सुनी जाती है। अस्य पदस्य का भाव इति, इस पद की इस लाइन का साफ क्या भाव है? मनस जिज्ञासा उत्पते, मन में हमारे जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, उद्यपते मतलब उत्पन्न होती है, मन में हमारे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और काल परिवर्तन मतलब समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य मतलब ज्ञान का, प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या जो है क्या करते थे हम लोग? सुनते थे, विद्या को सुनते थे। श्रुति परंपरा मतलब विद्या को हम वैदिक परंपराओं से ग्रहण करते थे। श्रुति परंपरा मतलब वैदिक परंपरा से ग्रहण से मतलब ग्रहण करते हैं। अनंतरम ताल पत्रों पर ही भोज पत्र थी। इसके बाद ताल पत्र पे और भोज पत्र पे लेखन कार्य आरंभ मतलब लिखने का कार्य प्रारंभ किया गया। परिवर्तनी काले मतलब समय बदलने के साथ कर्गदस्य मतलब कागज का, लेखन्या मतलब लेखनी का आविष्कार सभी लोग जानते हैं, ठीक है। समय बदलने के साथ कागज का और लेखनी का आविष्कार सभी लोगों ने जाना है, सभी लोग भावना मतलब लोग लिखिता कर्गदस्य लेखन प्रारंभ सभी लोग जानते हैं कि कागज और लेखनी के आविष्कार के बाद ही लोगों ने कागज पर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्र जिसको आप लोग टाइपराइटर बोलते हैं आविष्कार है तो लिखिता सामग्री टंकिता बहु कालाय सुरक्षिता अशस्ती। टाइपराइटर के आविष्कार से लिखने की जो सामग्री थी उसमें हम लोग क्या करते हैं, छापने का कार्य बहुत काल से सुरक्षित रखते आए हैं। वैज्ञानिक प्रगति मतलब वैज्ञानिक के आविष्कार होने से प्रगति यात्रा आगे और बढ़ी, अग्रे मतलब आगे और जा रही है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यत्र साधारणतः, आज सभी कार्य संगणक नामक यंत्र से यानी कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। समाचार पत्र और पुस्तक
कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं। कागज उद्योग वृक्षाणाम कागज उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे रक्षा प्रचंडते इस्मा परम संग्रहस्य अधिकाधिक प्रयोगे रक्षाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा अनिमेय पर्यावरण सुरक्षाया इति महान उपकारो भविष्यति। इसमें कहा गया कागज उद्योग से वृक्षों के उपयोग से क्या हुआ, कागज का आविष्कार हुआ। अधुना अपने वस्तु कार्यक्रम रूप्याकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकाणाम स्थानम गृहीत वंतो वित्त कोषस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगण कार्यन्त्रेण समाबद्धन्ते बहुविद्या अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अधुना मतलब आजकल, आपने मतलब सभी कार्य जो है हम वस्तुओं को खरीदते हैं वो उसके लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। आजकल जो हम वस्तुओं को खरीदते हैं उसके लिए रुपया का मतलब रुपयों की अनिवार्यता मतलब जरूरत नहीं जान पड़ती। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी जो है रुपयों के स्थान ग्रहण कर लिया है। ठीक है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोष मतलब बैंक चाप सर्वाणि कार्याण संगण यंत्र संबंध वित्त कोष मतलब बैंक के सभी कार्य सर्वाणि मतलब सभी कार्याण मतलब कार्य संगण मतलब कंप्यूटर के द्वारा बहुत सारे अनुप्रयोग मुद्रा ही ना बिना सहायक संति बहुत सारे कार्य जो है और मुद्रा ही बिना मतलब बिना मुद्रा के बिना पैसे के ही आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, कुत्राण यात्रा करना भवेत रेल यान यात्रा पत्र वायुयाना पत्र अनिवार्यता आदि नास्ति। सर्वाणी पत्राणी अस्माकं चल दूर भाष्यन्ते ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि सदस्य वयं सर्व शोक कार्यं यात्राया आनंद विग्रहीम। कहीं भी का आपको यात्रा करनी हो, कुत्रार मतलब कहीं भी आपको यात्रा करनी होती है तो हमको रेल यात्रा का क्या टिकट और कुत्रापि यात्रा करनी भवति कहीं भी आपको यात्रा करनी हो तो रेल के टिकट और हवाई जहाज के टिकट के लिए आपको जो है क्या करना है, आज कहीं जाना नहीं है, आपको संगणक के माध्यम से रेल यात्रा पत्र रेल के टिकट और हवाई जहाज के टिकट आज आपके लिए अनिवार्य नहीं रखते। सर्वाणी पत्राणी सभी पत्र आज चल दूर भाषंतरे ईमेल इसी स्थान सुरक्षाती सभी जो है पत्र आपको चाहे रेल का टिकट लेना हो या हवाई जहाज का टिकट लेना हो तो सभी प्रकार के टिकट आपको दूरभाष यंत्र यानी ईमेल में आपको देखने को सुरक्षित रहते हैं। यानी सदा से वयम स्वकरण यात्राएं आनंदम भवति इस प्रकार आप लोग जो है सभी प्रकार का आनंद जो है देखते हैं। चिकित्सालय अपनी उपचारात उपकाराम आवश्यकता नानुभूयते सर्वत्र कार्ड माध्यम ई बैंक माध्यम शुल्कम प्रदातुं शक्यते। आप इसमें चिकित्सालय यानी कि अस्पतालों में उपचार के लिए क्या है रुपए के लिए आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। सभी कार्य आप कार्ड के माध्यम मतलब ई बैंक के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तदतिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाण कार्याणि साधयितुं सर्वथा भविष्यामि। वस्त्र पुटके रूप्याणाम आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। पठनात् पुस्तकानां समाचार पत्राम अनिवार्यता संप्रदाय भविष्यता। लेखनात् आवश्यक अभ्यास पुस्तिकाया करगदर्शी वा नूतन ज्ञान वेशावर्थम शब्दकोशस्य वापि आवश्यकता न भविष्यति। अपश्यति मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्ग दर्कशस्य मानचित्तस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकनेन यन्त्रेण कर्तुं शक्ये शाब्दिकार्यतां फलकार्यतां विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किम्। इसमें जो है बताया जा रहा है कि आपको सारे कार्य जो है चल दूर भाषण मतलब जितने कार्य हमने बताया हम जो है एक ही हाथ से किससे कर सकते हैं चल दूर भाष यंत्र सभी कार्य आपके किससे हो सकते हैं चल दूर भाष यंत्र मतलब मोबाइल
मोबाइल फोन को, चल दूर भाष यंत्र मतलब मोबाइल फोन के माध्यम से सभी कार्य आपके भविष्य में होंगे। वस्तुपुट का मतलब रुपयाण आवश्यकता, वस्तुपुट का मतलब जेब में अब आपको रुपयों की आवश्यकता भविष्य में नहीं जान पड़ती। पासबुक चेकबुक सभी आपकी भविष्य में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। और पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार की जरूरत अब भविष्य में नहीं होगी। लेखन के लिए आपको अभ्यास पुस्तिका और कागज को, नूतन ज्ञान को, नवीन ज्ञान को जानने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी। अपेक्षित मार्ग से और जहाँ पर आप लोग को जो आप मार्ग नहीं जानते हो, जो ज्ञान के मार्ग नहीं जानते हो, उसको आप जो है मानसिक रुचि की भी आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि सब आपके चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित है। यह कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है। शब्द शाप विकार से फलकार से विश्राम गृह सुकक्षम नियुक्तम कर्तम चिकित्सालय सुखम बदलती। और इसके साथ ही साथ आपको विश्राम गृहों में जो है क्या कहते हैं स्थान सुरक्षित करने के लिए, या चिकित्सालयों में अस्पतालों में शुल्क देने के लिए, या महाविद्यालयों में फीस देने के लिए चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दनापि दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम दिजि भारतम इति अष्टादश वयम भारतीय दुर्गत्या अग्रसरे मामा। इसमें बताया जा रहा है कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय करने के लिए, बाजार में आपको सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहों में आपको कक्षा मतलब आपको रूम जो है रिजर्व करने के लिए किसी भी प्रकार के किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। चिकित्सालयों में अस्पतालों में आपको पैसों देने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। बहुन दाना पिदातुम चल दुष्मान ते मलम, ये सारे कार्य आप चल दूरभाष यंत्र से संपादित कर सकोगे, ये कार्य कर सकोगे। डिजि भारतम इति दत्तये विदेशी वयम भारतीय गतगत्या, डिजि भारत मतलब डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम सब भारतीयों को आगे की ओर ले जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने आपको संस्कृत में तृतीया पाठा डिजिटल भारतम समझाया, और मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पाठ आपके जो इस समय कोरोना वायरस चल रहा है उसके विषय में भी आपको अच्छे से बताने की कोशिश है कि क्योंकि इस टाइम सभी बच्चे चाहे हर सारे कार्य जो है आपको किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हो, तो वर्तमान परिवेश में आज के प्रेजेंट टाइम में आपको ये चैप्टर, ये लेसन आपका बिल्कुल खड़ा हो सकता है। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। और थैंक यू।